हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टी वाई बीकॉम एनुअल पैटर्न। तो तुम्हारा पेपर है इकोनॉमिक्स का, तो क्या इतना सारा बुक में, तुम्हारे बुक में कम से कम 50-60 आंसर है, तो तुमको लिखना है 10-12 आंसर। तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या आएगा, और मैंने पूरे वीडियो को एक्सप्लेन भी करा दिया आंसर को, अगर समझ में नहीं आ रहा तो पहले पेपर पैटर्न देखते बच्चों लोग क्या है। देखो तो तुमको कैसा बहुत घुमा फिरा के दिया है, एकदम सिंपल समझा मैं समझाता हूँ। देखो तो पहला 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कितना मार्क का आता है, 20 मार्क का, ओके। और इधर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मतलब अपने को कंपलसरी करना ही है, ओके, सम तो सॉल्व करना ही है। तो आपको क्या करना मालूम है बच्चों लोग, स्टार्टिंग का 2 चैप्टर, और मतलब ना तुम्हारा सेक्शन 1 सेक्शन 2 है ना, तो सेक्शन 1 का स्टार्टिंग का 2 चैप्टर, लास्ट का 2 चैप्टर पूरा पढ़ना है, कवर हो जाएगा। जैसे कि पब्लिक बैंक न्यू प्राइवेट फॉरेन बैंक के ऊपर एक आंसर पढ़ना है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के ऊपर एक आंसर पढ़ना है, RBI माइक्रो फाइनेंस, ये 3 आंसर हो गया। फिर एक तुमको मनी मार्केट कैपिटल मार्केट के ऊपर आंसर पढ़ना है, और एक टेक्नोलॉजी मतलब बैंक के ऊपर पढ़ना है आंसर, कमर्शियल बैंक, RBI, फिर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। तो इधर तुम्हारा हाफ बोलते हैं ना हाफ, और एक माइक्रो फाइनेंस करके इधर तुमको 6 आंसर पढ़ के रखना है। फिर सेक्शन 2 तुम्हारा कैसा है, तुमको अलग अलग टॉपिक दिया, जैसे एक पब्लिक एक्सपेंडिचर पढ़ना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बाद एक है पब्लिक बजट, क्या है पब्लिक बजट, उधर से 2 टॉपिक पढ़ना है, FRBM Act, अभी और एक पेपर डिस्कस करूंगा। फिर डायरेक्ट लास्ट के 3 चैप्टर है ना, उधर से तुमको आंसर पढ़ना है, जैसे WTO का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, ट्रिप्स और ट्रीम वाला है, फॉरेन एक्सचेंज कैसे डिटरमाइंड होता है वो पढ़ना है, RBI कैसे रेट्स को मैनेज करता है, ओके, और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, परचेस पावर पैरिटी, और एक आंसर है तुमको बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। तो मैंने पूरा आंसर को एक्सप्लेन करा दिया, अगर तुमको जरूरत हो तो नंबर पर मैसेज कर देना, पूरा आंसर तुमको सेंड कर दूंगा, प्यार से गुरुदक्षिणा पे कर देना, एकदम सिंपल में समझा ताकि तुमको ईजी हो जाएगा, फटक से काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखे कि और एक पेपर तुमको बता दो, ये देखो अब ये पेपर में क्या है, फिर से 20 मार्क का है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकंसल्ट करना है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक, फिर तुमको माइक्रो फाइनेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फिर टेक्नोलॉजी दिख रहा है, सेबी, सेबी कौन है जो स्टॉक मार्केट को संभालता है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है ना, तो ये आंसर तुमको पढ़ना ही इधर, और रिजर्व बैंक। मॉडल 2 में क्या है तुमको, ये पब्लिक डेब्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर 2 टॉपिक है, फिर WTO ट्रिप्स ट्रीम, फिर एक्सचेंज रेट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर एक आंसर आ ही रहा है तुमको, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये रिजर्व बैंक वाला NDF फिक्स है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला था ना मैंने, फॉरेन एक्सचेंज वाला आंसर, तो ये तुम्हारे टॉपिक है, ठीक है। तो ये पूरा ओल्ड पैटर्न है लॉकडाउन के पहले का, इसके बाद ये बहुत कम होने लगा एग्जाम। तो जितने हैं आंसर अगर आप लोग समझ ले, शॉर्ट सिंपल तरीके से पढ़ ले, समझ में आए, 1 वर्ड्स में लिख देंगे तो पास हो जाएंगे। तो मैंने एक्सप्लेन करा दिया, आपको जरूरत है तो नंबर पर मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।